हेलो, मैं हूँ ज्योतिका। वेलकम टू एक्सेलिंग साइकोलॉजी। आज की क्लास में मैं जून 2022 का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग अ सम जो 108 के पेपर में आया था। पहले ही मैं बताना चाहती हूँ कि आज की मेरी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है, और ये क्लास मेरे बाकी क्लासेस से अलग है। इसमें मैं डिटेल्स नहीं डिस्कस करने वाली कि काई स्क्वेयर टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है। दिस क्लास इज़ नॉट अबाउट एनी डिटेल्स। इसमें मैं सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सम को सॉल्व करने वाली हूँ। सो आई एम अज्यूमिंग यू ऑलरेडी लर्न एवरीथिंग अबाउट द काई स्क्वेयर, एंड जस्ट बिफोर योर एग्ज़ाम यू वांट अ प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड यू लाइक योर टीचर टू गाइड यू। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम फोकस से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो अगर आपको इस तरह के वीडियो में इंटरेस्ट है तो ही कंटिन्यू कीजिए। ओके, लेट्स लुक एट सम कौन सा आया था लास्ट ईयर। लास्ट सेशन में ये सम आया था जून 22 में। काई स्क्वेयर का जो सम है दिसंबर 2021 में भी आया था। और अगर हम एनुअल कोर्स देखें इग्नू का, जो बीए एनुअल कोर्स रहा है, उसमें भी फ्रीक्वेंटली काई स्क्वेयर का क्वेश्चन आता रहा है। तो इग्नू यूनिवर्सिटी काई स्क्वेयर को काफ़ी इंपॉर्टेंट समझती है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे के एग्जाम्स में भी फ्रीक्वेंटली हम काई स्क्वेयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सम है, फुल 10 मार्क्स के लिए आता है। 10 मार्क्स स्कोर करना भी बहुत ही ईजी हो जाता है अगर हम सम अटेम्प्ट करें इंस्टेड ऑफ थ्योरी, लेकिन प्रोवाइडेड कि हम सही तरीके से सम को सॉल्व करें। ओके, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस सम में नहीं है, कोई ज़्यादा वर्डिंग नहीं है, लेकिन टेबल को देखते हुए सबसे पहले चीज़ जो हमें स्ट्राइक करेगी वो है कि ये एक 2x2 कॉन्टिंजेंसी टेबल है। सो लाइक आई टीच इन माई क्लासेज ऑल्सो, द फर्स्ट थिंग वेन वी सी अ काई स्क्वेयर सम इज टू नोट विच टाइप ऑफ काई स्क्वेयर सम इट इज, बिकॉज देर आर मेनी टाइप्स ऑफ काई स्क्वेयर सम्स एज वी नो। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू नोट बिफोर मूविंग अहेड इज विच टाइप ऑफ सम दिस इज। सो वेरी प्रोमिनेंटली इट्स अ 2x2 कॉन्टिंजेंसी सम। एंड ज़्यादा वर्डिंग नहीं है, लेकिन इतना हम फिगर आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जूनियर मैनेजर्स एंड सीनियर मैनेजर्स को, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है आइदर येस और नो। तो हम देख रहे हैं कि उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं क्या वो डिपेंड करते हैं ऑन उनका जॉब पोजिशन क्या है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसमें स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि डायरेक्टली वो 2x2 का फॉर्मूला अप्लाई करने लगते हैं विदाउट नोटिंग वेदर देर इज़ अ नीड टू डू येट्स करेक्शन और नॉट। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस सम, द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग विच शुड बी फॉर अस इज दैट इन द वेरी फर्स्ट सेल इटसेल्फ द टोटल ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आर लेस देन 10। और रूल हमें ये बताता है कि अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज 10 से कम है किसी भी सेल में इन अ 2x2 कॉन्टिंजेंसी टेबल, वी हैव टू अप्लाई येट्स करेक्शन। तो यहाँ पर अगर हमसे गलती हो गई एंड वी आर नॉट डूइंग येट्स करेक्शन इन द फॉर्मूला, आर एंटायर सम विल गो रॉन्ग। ओके, सो कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स बिगिन सॉल्विंग। जस्ट लाइक हम हमारे थियोरी आंसर्स को नीटली ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि एग्जामिनर अच्छे से इजीली देख पाए कि हमने सब कुछ कवर किया है, उसी तरह सम्स में भी हमें बहुत नीट ऑर्गेनाइजेशन करना होता है विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। इट्स नॉट दैट जस्ट बिकॉज इट्स अ सम सो वी कैन सॉल्व इट इन एनी हैपहैज़ार्ड मैनर, दैट शुड नॉट बी आवर अप्रोच। तो पहले हम हेडिंग देंगे प्रपोजिंग द हाइपोथिसिस, और दोनों हाइपोथेसिस हम प्रपोज कर लेंगे। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस, फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेड आर इक्वल टू फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड इन स्टैटिस्टिकल नोटेशन। देन वील प्रपोज द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेड आर नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड। कहीं भी हम नोटेशन यूज करते तो ऑफकोर्स हमें फुल फॉर्म्स देने होते हैं। सो वी विल स्टेट योर एच जीरो स्टैंड्स फॉर null hypothesis, HA for alternative hypothesis, FE for expected frequencies, mm-hmm.
O for observed frequencies. With this, we complete our first step. Of course, the next step for a 2x2 contingency sum would be to prepare the 2x2 contingency table. So, ab hum heading denge 2x2 contingency table. How we prepare a contingency table is, first we take a 4-column space and a 4-row space. So, pehle main 4-column jitni jagah le lungi. एक रो हमें चाहिए हेडिंग्स के लिए, एक रो हमें चाहिए टोटल्स के लिए. सबसे पहले कॉलम हेडिंग्स दे देते. कॉलम हेडिंग्स हमें क्वेश्चन से मिल जाती है, तो यहाँ पर कॉलम हेडिंग्स है यस नो. क्वेश्चन पेपर में आपको कोई मार्किंग नहीं करनी होती, ये मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कर रही हूँ. रो की हेडिंग्स भी देख लेते हैं. रो हेडिंग्स आर जूनियर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स. नेक्स्ट जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज दी गई है अगेन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, वो हमें नोट डाउन करनी है. तो यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है 5, 25, 10, 15. ठीक सेल्स में लिखनी है, जैसे क्वेश्चन में है वैसे ही. सो 5, उसके नीचे 25, राइट में 10, उसके नीचे 15. ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है लिखते समय. लेफ्ट साइड में मैंने लिखे हैं सारे नंबर्स, राइट साइड की स्पेस मैंने लीव की है. क्योंकि हम कॉन्टिनजेंसी सम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें हेडिंग्स देनी है सारी सेल्स को. फॉर दैट आई हैव लेफ्ट स्पेस. नाउ लेट्स गिव द हेडिंग्स. तो 5 यानी कि फर्स्ट सेल जहाँ पर है, उसका हेडिंग होगा कैपिटल ए इन द ब्रैकेट्स. ए के ठीक राइट में जो हेडिंग होती है वो होती है बी, अगेन इन द ब्रैकेट्स. हेडिंग्स भी हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, हेडिंग्स वैसे ही देनी है जैसे मैं दे रही हूँ. ए के नीचे हेडिंग आती है सी एंड सी के राइट में हेडिंग आती है डी. सी के राइट में और बी के नीचे. वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ वी आर गिविंग द हेडिंग्स, अदरवाइज आवर एंटायर सॉल्यूशन विल बी रॉन्ग. इसके बाद हमें टोटल्स कैलकुलेट करने. पहले मैं रोज के टोटल्स कैलकुलेट कर रही हूँ. तो पहला हमारा रो है जूनियर मैनेजर्स, जिसमें सबसे पहले वैल्यू है 5. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ए वैल्यू प्लस नो की वैल्यू है 10. ओके, तो जब मैं जूनियर मैनेजर्स का रो टोटल कर रही हूँ, आई एम गेटिंग 15. अगेन 15 को मैं लेफ्ट साइड ऑफ द सेल में एंटर कर रही हूँ, आई एम लीविंग स्पेस ऑन द राइट. दूसरा जो हमारा रो है वो है सीनियर मैनेजर्स, उसका मैं टोटल लूँगी. सो 25 प्लस 15. ओके, क्योंकि पहला नंबर उस रो में सी है 25 और दूसरा डी है 15, इसका टोटल आ रहा है 40. आई नो कि बिना कैलकुलेटर के भी इसे हम इजीली कर सकते हैं, बट आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल वेरी क्लियरली. ओके, नेक्स्ट है कॉलम वाइज टोटल्स करना. तो पहले मैं येस कॉलम का टोटल करूंगी. ऊपर की वैल्यू 5 है, नीचे की 25 है. 5 प्लस 25 इज 30. उसी तरह दूसरे कॉलम का मैं टोटल कर लूंगी. नो का पहली वैल्यू है 10, उसके नीचे वैल्यू है 15, टोटल कम्स टू 25. ओके, अब हम हेडिंग्स दे देंगे टू द टोटल सेल्स ऑल्सो. तो पहली जो टोटल की सेल है वो है 15, उसको मैं हेडिंग दूंगी ए प्लस बी. और ये बहुत ही इजी है, लॉजिकल है, हमने ए एंड बी को ऐड किया है. सो वील इजीली रिमेंबर दैट वी हैव टू नेम इट एज ए प्लस बी. ए प्लस बी के नीचे आ जाएगा सी प्लस डी. ओके, अब मैं कॉलम टोटल्स को भी हेडिंग्स दे दूंगी. तो पहला कॉलम का जो टोटल है उसकी हेडिंग आ जाएगी ए प्लस सी, क्योंकि उसमें हमने ए एंड सी को ऐड किया हुआ है. और दूसरे कॉलम की टोटल आ जाएगी बी प्लस डी, क्योंकि उसमें हमने बी एंड डी को ऐड किया हुआ है. अब हमें ग्रैंड या फाइनल टोटल लेना है. फाइनल टोटल लेने के लिए सबसे पहले जो रो टोटल्स हैं उनको मैं ऐड कर दूंगी. 15, उसके नीचे 40. टोटल आ रहा है 55, लेकिन अभी मैं लिखूंगी नहीं. पहले मैं कॉलम टोटल्स के साथ वेरीफाई कर लूंगी कि इज इट रियली कमिंग टू 55 और नॉट, अदरवाइज आई विल अंडरस्टैंड दैट आई हैव मेड सम मिस्टेक. तो मेरे पहले कॉलम येस का टोटल है 30, दूसरे कॉलम नो का टोटल है 25, दैट इज ऑल्सो कमिंग टू 55. सो नाउ आई विल एंटर 55.
इसके नीचे भी मुझे हेडिंग देनी है ग्रैंड टोटल के नीचे, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस तरह से मेरा कॉन्टिंजेंसी टेबल इज रेडी। तो हमारे फर्स्ट टू स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। एक फ्रेश पेज मैं ले लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप है अप्लाइंग द फॉर्मूला। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला को स्टेट करना है। फॉर्मूला को प्रॉपरली स्टेट करने के लिए भी मार्क्स होते हैं। सो बाय चांस इफ वी गो रॉन्ग अहेड इन सॉल्विंग द सम, एटलीस्ट फॉर स्टेटिंग द फॉर्मूला करेक्टली वील गेट मार्क्स। ओके, लेट्स राइट द फॉर्मूला वेरी केयरफुली। काय स्क्वेयर इज इक्वल टू कैपिटल एन इन द ब्रैकेट ए डी माइनस बी सी माइनस एन अपॉन टू क्लोज ब्रैकेट स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी सी प्लस डी ए प्लस सी बी प्लस डी। यू शुड ऑलवेज हाईलाइट अ फॉर्मूला टू मेक इट वेरी प्रोमिनेंट। And by highlighting, I don't mean by highlighters. In the paper, you don't have highlighters available to you. Just make boxes and underline important facts so that they stand out. Okay, तो काय स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लिख लिया है। सारी वैल्यूज हमारे पास है जिनसे हमें सब्सटीट्यूट करना है। सो लेट अस स्टार्ट सब्सटीट्यूटिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे काय स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम नंबर्स डालना शुरू कर देंगे इन द फॉर्मूला। इसके लिए हम प्रीवियस पेज को रेफर करते हैं। एन वैल्यू वही होती है जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होती है। आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं एन टू मेक इट प्रोमिनेंट टू द एग्जामिनर कि आपको पता है एन कहाँ पर है। तो हमारे केस में एन है 55। ओके, सो एन आई एम सब्सटीट्यूटिंग विद 55। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट में है ए डी यानी ए इंटू डी। हमारी ए सेल की वैल्यू क्या है कॉन्टिंजेंसी टेबल में, इट इज 5। डी सेल की वैल्यू है 15, तो हम लेंगे 5 इंटू 15 माइनस बी इंटू सी। भी हमें सेम वे में लेना है। बी वैल्यू है हमारे टेबल में 10, सी वैल्यू है 25, सो 10 इंटू 25 माइनस करना है एन अपॉन टू। एन ऑलरेडी हम ले चुके हैं 55, टू कांस्टेंट है। पूरा ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर करना है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है वो बहुत इजीली हमें टेबल में मिल जाएगी। तो ए प्लस बी देख लेते टेबल में। पहले रो का टोटल है 15, सी प्लस डी दूसरे रो का टोटल है 40, सो 15 इंटू 40 इंटू, अब कॉलम के टोटल्स देख लेते हैं। ए प्लस सी है 30, बी प्लस डी है 25, 30 इंटू 25। तो ये हमारा काय स्क्वायर का सब्सटीट्यूशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शोइंग एवरी स्टेप टू द एग्जामिनर, नॉट स्किपिंग नॉट ओमिटिंग नॉट रैपिडली डूइंग एनी सम और एनी स्टेप ऑन द कैलकुलेटर, शोइंग एवरी स्टेप वी हैव टू सॉल्व दिस काय स्क्वायर वैल्यू। तो सबसे पहले 55 को हम एज इट इज बाहर रखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू 15। डेफिनेटली आप हाथ से क्विकली कर सकते हैं या कैलकुलेटर से, टू बी श्योर मेरी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 5 इंटू 15 इज 75, 10 इंटू 25 250 माइनस 55 डिवाइड बाय 2 27.5 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये हम एक शॉट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई एवरीथिंग। 15 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 25 450,000 और 450,000। डिनोमिनेटर तो अब कॉन्स्टेंट रहेगा, हमें न्यूमरेटर सॉल्व करते जाना है। सो 55
इंटू 75 माइनस 250 कर लेते हैं, माइनस 175 माइनस 27.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 450000। एक एक स्टेप दिखाना है। 55 हमारे एब्सोल्यूट ब्रैकेट्स निकल जाएंगे, सो 175 माइनस 27.5 स्क्वायर, सेम डिनोमिनेटर, 55 इंटू, वी कैन ओपन द ब्रैकेट नाउ, 175 माइनस 27.5 विच इज 147.5 स्क्वायर, स्क्वायर आ गया है तो पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 55 इंटू 147.5 इंटू 147.5 विच इज 21756 पॉइंट 25, डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, अगेन पहले न्यूमरेटर करेंगे 55 इंटू दैट बिग वैल्यू, सो जो रिजल्ट है कैलकुलेटर में आई एम कॉपिंग दैट, एंड फाइनली डिविजन करके हमें काई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी आएगी हम टू डेसिमल्स तक लेंगे क्योंकि ये हमारी फाइनल वैल्यू होने वाली ऑफ काई स्क्वायर। सो देयरफॉर काई स्क्वायर इज इक्वल टू, आई विल जस्ट डिवाइड एंड सी, 2.66। अगेन क्योंकि ये फाइनल वैल्यू है इसको मैं हाईलाइट करूंगी। This is the full working of chi squared using Yates correction contingency formula. एक बार फिर से question को देख लेते हैं। तो question में हमें कोई भी significance values नहीं दिए हैं ताकि हम हमारे hypothesis को test कर सके, इसलिए हमारा sum यहीं पे end होता है। तो last step में हम क्या करते हैं, final answer को लिखते हैं in words। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी answer, therefore the chi squared value obtained to check the significance of contingency of response on job position is, क्या वैल्यू आई थी हमारी देख लेते हैं, हमारी वैल्यू आई 2.66, तो हम लिख लेंगे 2.66। यहाँ पर हमारा सम एंड हो जाता है फॉर जून 2022, तो जून 2022 का आंसर कुछ इस तरह का दिखना चाहिए था। आगे मैं कुछ स्टेप्स दिखाने वाली हूँ, जिसको भी इंटरेस्ट नहीं है एग्जाम क्वेश्चन के बियॉन्ड जाने में प्लीज़ इसी समय वीडियो को एंड कर दीजिए। ये स्टेप्स मैं सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि बाय चांस जिस तरह से एनुअल पैटर्न में सिग्निफिकेंस लेवल्स दिए जाते थे, अगर हमें सिग्निफिकेंस लेवल्स दिए जाए हमारे पेपर में तो हमें किस तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है अगेंस्ट दोज लेवल्स। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, you want to be careful for your exam and you want to prepare very thoroughly for the exam, then only watch the remainder of the video, otherwise you can quit right now. तो पहले एक प्रॉपर ट्रेंड था इग्नू में जो कि होना भी चाहिए, अगर हम बीए एनुअल कोर्स के पेपर्स देखें तो हमेशा एंड में जो भी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक हम कर रहे हैं उसके 0.05 एंड 0.01 लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस को मेंशन किया जाता था। जैसे इस केस में हमें बताना चाहिए था
ये सिग्निफिकेंट काय स्क्वेयर वैल्यूज एट 0.05 लेवल इट इज 3.84 एंड एट 0.01 लेवल 6.64. ओके, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो नहीं बना रही हूँ, सिर्फ सम सॉल्व करने के लिए बना रही हूँ. सो आई वांट टू रिइटरेट दैट आई एम ओनली गोइंग टू शो हाउ टू चेक सिग्निफिकेंस अगेंस्ट दीज लेवल, व्हाई दीज वैल्यूज आर देयर, फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन्ड. दिस लेसन इज नॉट मेड विद दैट ऑब्जेक्टिव. तो अगर हमें इस तरह की सिग्निफिकेंस वैल्यूज दिए हैं तो हमें आगे कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं. ये स्टेप्स मैं अलग इंक कलर में लिख रही हूँ ताकि आपको पता हो कि ये कुछ एडिशनल स्टेप्स हैं. तो अगर हमें वैल्यूज दिए जाते तो ये फाइनल आंसर लिखने के बदले नेक्स्ट स्टेप हमारा होता, आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला गेटिंग द फुल काय स्क्वेयर वैल्यू वी वुड हैव रिटन कैलक्यूलेटिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला आपको पता है, रो माइनस वन इंटू कॉलम माइनस वन. पहले हम वो फॉर्मूला स्टेट करेंगे. सो वी हैव टू राइट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम df इज इक्वल टू आर माइनस वन सी माइनस वन. यर आर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज C for number of columns. Formula state किया है हमने, तो policy है highlight करने की. Substitute कर सकते हम df, हमारे number of rows थे 2. अगर हम question देखे original तो 2 rows थे, एक था junior managers एक था senior managers. उसी तरह number of columns भी थे 2, एक था yes एक था no. तो वी कैन शो 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1. फाइनल आंसर भी हमें हाईलाइट करना है. तो इसके बाद हम लिखते चेकिंग सिग्निफिकेंस ऑफ काय स्क्वेयर क्रिटिकल वैल्यू. जो क्वेश्चन पेपर में दी है अभी वही वैल्यूज हमें लिखनी है. सो क्रिटिकल वैल्यू एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्रिटिकल वैल्यू एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन पेपर में चेक कर लेते हैं. 0.05 की वैल्यू दिए हैं 3.84, 0.01 की दिए 6.64. अगेन प्लीज डू नॉट मेक एनी मार्किंग्स ऑन द क्वेश्चन पेपर. सो 3.84, 6.64. अब हमें क्या स्टेट करना है, कैलकुलेटेड वैल्यू. हमने जो वैल्यू ऑब्टेन की है काय स्क्वेयर की वो हमें देनी है. सो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काय स्क्वेयर एट 1 df इज इक्वल टू, वी हैड कैलकुलेटेड 2.66. ये वैल्यू दोनों ही क्रिटिकल वैल्यू से कम है. सो व्हाट वी हैव टू राइट, देयरफॉर कैलकुलेटेड काय स्क्वेयर वैल्यू is lesser than the critical values at both levels of significance. The null hypothesis
is accepted. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं. तो क्योंकि हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू दोनों ही सिग्निफिकेंट वैल्यू से कम है, वी हैव टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस. बिकॉज गिवन दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, वी वुड हैव टू ऑब्टेन अ वैल्यू हायर देन 3.84 और 6.64 टू बी एबल टू स्टेट दैट द चांसेस ऑफ नल हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू इज वेरी लेस. राइट नाउ वी कैन नॉट से दैट बिकॉज आवर वैल्यू इज मच लेसर देन दीज क्रिटिकल वैल्यूज. फाइनली फिर बेस्ड ऑन दिस, अगर ये सब स्टेप्स हम करते तो हमारा फाइनल आंसर भी चेंज हो जाता. तो फाइनल आंसर हम लिखते सबसे पहले APA फॉर्मेट में, काई स्क्वेयर्ड सबस्क्रिप्ट में 1 बिकॉज DF इज 1 इज इक्वल टू 2.66, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नॉट सिग्निफिकेंट. य P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी. NS for not significant. और फिर हम फाइनल आंसर प्रॉपरली वर्ड्स में लिख पाते. I'll take a fresh page. Therefore, the contingency of response is not significantly based on the job's position of an individual. तो हम कह सकते हैं कि इंसान क्या रिस्पॉन्स देता है क्वेश्चंस को, वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि उसकी जॉब पोजीशन क्या है. एक लास्ट टाइम मैं सारे स्टेप्स इंक्लूडिंग द एडिशनल स्टेप्स स्क्रीन पर दिखा रही हूँ. तो हमें इस तरह से सॉल्व करना होता है काई स्क्वेयर का सम. विद दिस आई एंड दिस क्लास. सी यू सून इन अनदर वीडियो.